तरह का कदम के पेड़ पर खेलना कूदना चाहता है वो बताने की कोशिश की है। तो देखिए यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे बांधी, किसी तरह मां नीचे हो जाती यह कदम की दानी, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वही बैठ के बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो एक छोटे बच्चे ने कृष्ण की तरह वो कैसे लीला करना चाहता है, कृष्ण जैसे लीलाएं करता था वैसे वो बच्चा भी करना चाहता है, वो अपने मन की इच्छा यहाँ पर दर्शित कर रहा है। तो देखिए कदम का पेड़ यानी क्या, देखिए जिसे इंग्लिश में स्टेप ट्री भी कहा जाता है। तो यह जो पेड़ है वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो है वो उस पेड़ पर चढ़कर अपनी लीलाएं करते रहते थे। तो यह बच्चा भी कहता है यह कदम का पेड़ अगर मां होता है यमुना तीरे, यमुना तीरे यानी कि यमुना नदी के किनारे, तो कदम का पेड़ जो है वह यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, तो मैं भी क्या करता था उस पेड़ पर चढ़कर कन्हैया के जैसे बैठता था। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम तो पैसे बांधो, तो माँ से बांसुरी मांग रहा है कन्हैया भगवान, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो है उनको मनपसंद वाद्य था बांसुरी बजाना, तो वैसे भी जिसे इंग्लिश में बांसुरी को फिर भी कहा जाता है, तो वो अभी अपनी माँ से बांसुरी मांग रहा है और वो भी कितने पैसे की, दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, तो डाली यानी क्या, देखिए डाली यानी पेड़ की शाखा, तो किसी तरह मैं ऊपर चढ़ने के बाद यह पेड़ की जो डाली है पेड़ की शाखा है वो नीचे हो जाती है, ऐसे लड़का कह रहा है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके खाता, तो माँ कहता है कि माँ मैं तुम्हें कहे बिना ही चुपके चुपके यानी चोरी छुपे आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, तो नीचे जो डाली झुकी है उस पर चढ़कर मैं भी ऊंचाई पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, और ऊपर चढ़कर बैठकर मैं क्या करता था, बड़े मजे से बांसुरी बजाता।